लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पहला चुनावी कार्यक्रम है। शाह मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र के रामलीला मैदान से मुरादाबाद की जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष के मुताबिक अमित शाह के कार्यक्रम में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। कार्यक्रम स्थल को कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के झंडों से रंग दिया है। अमित शाह की रैली को लेकर देखिए रामलीला मैदान में आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा प्रत्याशी मुरादाबाद के खुबर सर्वेस के लिए आज यहां अमित शाह मुरादाबाद रामलीला ग्राउंड से वोट मांगने की अपील करेंगे। आप मेरे देख सकते हैं, मेरे पीछे ये मंच तैयार किया गया अमित शाह के लिए, जो यहाँ से 2 बजे यहाँ की जनता से यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं सर्वेश कुंवर के लिए वोट मांगेंगे। आप देख सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से कि देखिए ये रामलीला ग्राउंड है मुरादाबाद के थाना मझोला स्थित, यहाँ झंडे लगा दिए गए हैं और पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। देखने वाली बात तो ये रहेगी कि अमित शाह की रैली अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कितनी कारगर होगी। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी एवी स्टार।